टेक न्यूज़ एचडी की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों रियलमी 2 प्रो डिवाइस में रियलमी यूआई का अपडेट आ चुका है जो कलर ओएस 10 की ओपर बेस है। यानी कि दोस्त आपको आप देखा रहे आपका जो वर्जन है और RMX 1801EX_11.F.07 यानी कि ये आपका जो वर्जन है आपको जो कलर ओएस यानी कि जो कलर ओएस 6 से आपको एंड्रॉयड 10 यानी कि आपको रियलमी यू आई का अपडेट मिलेगा। यानी कि दोस्तों रियलमी यू का यू आई का अपडेट मिलने के बाद आपका जो फ़ोन देखने के लिए होगा किस प्रकार देखने के लिए होगा आप दोस्त इसी के इसे आपको कौन सा चीज़ अब बदला हुआ गया यानी कि आपको इंटरफेस कैसा दिखा रहा है आपको अभी तुरंत दिखाएँ। चलिए देखते हैं। पहले तो आपको नोटिफिकेशन पैनल ऐसा मिलेगा। पहले ऊपर में आपका जो टाइम आएगा उसके साथ आपका क्लाउड यानी कि वह का टेम्परेचर कितना है वो देखा जाएगा। उसके साथ आपको नीचे भी दिया होगा उस डेट डेट दिया होगा यानी कि ऐसा इंटरफेस होगा। उसके साथ डार्क मोड भी इस तरह से होगा। देखिए आप डार्क मोड स्विच हो रहा है और डे मोड ऐसा आता है। देखिए इस प्रकार से आप डार्क मोड भी होता है और भी चेंजेस हुआ है जैसा कि वॉलपेपर आप देख लीजिए बहुत सारे वॉलपेपर ऐड हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सारे वॉलपेपर ऐड हुआ है। देखिए बहुत सारे वॉलपेपर ऐड है। आप किसी भी वॉलपेपर को फ़ोन में सेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वॉलपेपर आए पहले से भी बहुत अच्छा है। उसके साथ आपको लाइव वॉलपेपर की सपोर्ट भी मिल जाता है यहाँ पे। आप चाहते किसी भी एक लाइव वॉलपेपर को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक वॉलपेपर को यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं ऐसा लाइव वॉल पेपर आपको मिलेगा। उसके साथ आपको आपको जो सेटिंग आपको जो जो होम स्क्रीन इस प्रकार का देखता है। उसके साथ आपको जो ऐप ड्रायर है आपको ऐप ड्रायर इस प्रकार से मिलेगा। आप यहाँ पे भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आपको सेटिंग पे लेके चलते चलिए देखते हैं आप कौन सा चीज़ बदला गया है। देखिए एयरप्लेन मोड आप किस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए आप इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको बहुत मैंने पूरा स्टॉक एंड्रॉयड की थोड़ा बहुत स्टॉक एंड्रॉयड का आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। चलिए उसके साथ आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पे एक सर्च बार दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बार दिया गया है। अब सर्च बार दिया गया है। चलिए आप यहाँ पे भी कोई भी चीज़ आप ढूंढना है आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसा देखिए आपको फोन आपको क्या चेंज करना है आपका आइकॉन पैक चेंज करना है तो आपको आइकॉन लिख के सर्च करेंगे तो सेट आइकॉन स्टाइल आप आइकॉन स्टाइल को इस जगह पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं नहीं तो आप कस्टम में भी कर सकते हैं। अब इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं इसका बड़ा या छोटा भी कर सकते हो किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई हो गया। उसके बाद देखिए किस तरह से इंटरफेस दिखा रहा है। अभी दिखा रहे किस तरह से इंटरफेस दिखा रहे आपका ऐसा हो जाएगा। आप पूरा पूरा जगह पे देखेंगे आपका पूरा यूआई का जो आइकॉन है आइकॉन चेंज हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे कुछ और भी बदलाव हुआ है। देखिए आप अभी इसको इसके बाद आपको दिखाएंगे आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार यानी कि नोटिफिकेशन भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब कौन सा नोटिफिकेशन नहीं चाहिए कौन सा नोटिफिकेशन चाहिए सारे कुछ मैनेज नोटिफिकेशन से आप जाकर कर सकते हैं। किसका नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए किसका नोटिफिकेशन चाहिए वो सारी चीज़ का आपको नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं इस जगह से। ये बहुत ही अच्छी चीज़ दिया गया। अब डिस्प्ले के अंदर आप देखिए बैटरी सेक्शन पर भी आपको ऑप्टिमाइज़ किया गया है बैटरी सिस्टम के भी। डू नॉट डिस्टर्ब का सपोर्ट भी आपको मिलता है पहले से। स्मार्ट सर्विसेज भी आपको देखिए तीन तरह की स्मार्ट सर्विस भी मिल सकता है। उसके बाद देखिए आपको सिक्योरिटी सॉरी बैटरी सेक्शन पे आपको जो बोल रहा था बैटरी सेक्शन में देखिए पावर सेव मोड आपका कोई भी रहेगा तो आप बैटरी सेव मोड
बदल गया है कुछ तरह से। देखिए उसके साथ साथ आपको डिजिटल ऑयल बिन का जो सपोर्ट दिखा था, इस तरह से आपको डिजिटल का ऑयल बिन का सेट करना है, आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। बहुत सारे चेंजेस हुआ है, यानी आप इसको जब इंटरफेस आएंगे, आप इसको देखेंगे तो बहुत आपको देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। अब अभी आपको आपका गेम स्पेस भी बदल जाएगा। अब इस गेम स्पेस भी आपको थोड़ा गेम स्पेस दिखा देते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको गेम स्पेस। देखिए इस गेम स्पेस स्टाइल थोड़ा बदल गया है आपके, इसमें गेम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आएगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए दोस्त, इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार इस चैनल को आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।